अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 6 किलोवाट के सोलर हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट की डिटेल्स बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। प्लस इसमें एक बोनस टिप भी है एंड पे, जो कि अक्सर सोलर इंस्टॉलर्स या इवन सोलर क्लाइंट्स को भी नहीं पता होता उस बारे में, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। फर्स्ट पॉइंट जो है 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में, वो होता है कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्टली आपको माइंड में रखना है कि सोलर पैनल्स कौन से यूज़ करने हैं। सोलर पैनल्स जो हैं आजकल हम यूज़ करते हैं 545 वाट्स के मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स, और इनमें जो कंपनीज़ मशहूर हैं आजकल सोलर पैनल्स की, वो हैं लॉन्गी, जिनको JA सोलर या ट्रीना सोलर, ये जो चारों कंपनीज़ हैं ये Tier 1 कंपनीज़ कहलाती हैं सोलर पैनल्स की। और इनके अलावा भी और कंपनीज़ मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनकी जो पावर एफिशिएंसी है इन कंपनीज़ के पैनल्स की वो बहुत अच्छी है, और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी भी है बाकी कंपनी से बेहतर है। जो इसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर हम यूज़ करेंगे 6 किलोवाट इन्वरएक्स का नाइट्रॉक्स। ये नाइट्रॉक्स टेक्नोलॉजी जो है ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं इन्वरएक्स की तरफ से, और इनमें सिंगल फेज़ इन्वर्टर्स हैं बेसिकली, और इनके 3 फेज़ मीटर के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। इनमें ड्यूल आउटपुट्स हैं, और इनमें इनपुट लोड्स जो हैं वो लाइट लोड्स के लिए अलग होता है इनपुट, और इसके अलावा हैवी लोड्स के लिए इनपुट अलग है। तो इन अ वे आप AC के लोड्स को और इसके अलावा जो लाइट्स एंड फैंस और जो लाइटर लोड्स हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से इस इन्वर्टर में। इसके अलावा हम बैटरीज़ यूज़ करेंगे। अब बैटरीज़ 2 तरह की हो सकती हैं। आप ट्यूबुलर बैटरीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो आप ओसाका या फिनिक्स की 180 एम्पेयर्स की 4 बैटरीज़ को सीरीज़ में लगा के 48 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक बैटरी जो 12 वोल्ट्स की होती है, या आप आजकल लिथियम आयन बैटरीज़ चल रही हैं वो भी आप लगा सकते हैं। वो एक ही बैटरी आपकी 48 वोल्ट्स की होती है। 48 वोल्ट्स की जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं ये पायलनटेक की आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 100 एम्पेयर्स की होती है। अब लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं जी वो 4 बैटरीज़ आपकी 180 एम्पेयर्स ईच हैं जो आपने सीरीज़ में लगाई हैं, ये 100 एम्पेयर की एक बैटरी है जो कि आपकी लिथियम आयन बैटरी है, तो दोनों में से बैकअप किन का ज़्यादा होगा? अगेन लिथियम आयन बैटरी का जो बैकअप है वो ट्यूबुलर बैटरी से बहुत बेहतर है, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरीज़ जो हैं दे वर्क एट 60-70% ऑफ द एफिशिएंसी, उनका पावर फैक्टर जो है, जबकि पायलोनटेक की जो बैटरीज़ हैं 100 एम्पेयर की ये आपको 95-98% इनकी एफिशिएंसी मिलती है। प्लस ये सिंगल बैटरी जो है ये आपकी 4 बैटरीज़ की जगह स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करती है, एस्थेटिकली भी बेहतर लगती है, और इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है पायलोनटेक की जो लिथियम आयन बैटरी है। जबकि आप दूसरे एंड पे देखें ट्यूबुलर बैटरीज़ की लाइफ 5 साल है, तो इसकी प्राइस यूजुअली डबल होगी अगर आप 4 180 एम्पेयर्स की बैटरी यूज़ करें, उसके अलावा एक पायलोनटेक की आप लगा लें, तो प्राइस में ऑब्वियसली डबल का फ़र्क है, लेकिन फिर इसकी लाइफ भी डबल है। उस लिहाज से मेरे ख्याल में लिथियम आयन बैटरी जो है पायलोनटेक की वो बेहतर रहेगी अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करनी है। इसके अलावा आप ये माइंड में रखें कि मैंने आपको बता दिया सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और बैटरीज़, ये 3 मेन कंपोनेंट्स थे जो कि 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम में लगेंगे। इसके अलावा आपको ब्रेकर सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें DC ब्रेकर्स होंगे, AC ब्रेकर्स होंगे। इसके अलावा आपको डिस्कनेक्टर स्विच लगाना पड़ता है अगर आपने नेट मीटरिंग करवानी है, अर्थिंग करानी पड़ती है, DC अर्थिंग, AC अर्थिंग, प्लस लाइटिंग अरेस्टर लगाना पड़ता है, लाइटिंग अरेस्टर की भी अर्थिंग करानी पड़ती है। तो ये टोटल जो विद इंस्टॉलेशन है इसमें वायरिंग भी इंक्लूड होगी, 744 की तार लगेगी काफ़ी ज़्यादा, फिर DC वायर भी लगेगी, और फिर पैनल्स जो हैं फ्रेम्स के ऊपर माउंट होंगे। ये सब चीज़ें अगर हम मिलाएं तो ये आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस तरह से बनता है। इसमें आप कितना लोड चला सकते हैं 6 किलोवाट सोलर सिस्टम में, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक एयर कंडीशनर 1.5 टन का चला सकते हैं, उसके अलावा आप पूरे घर के 10 फैन हो, 15 फैन हो वो चला सकते हैं, लाइट्स, उसके अलावा आपकी पानी की मोटर, इसके अलावा फ्रिज भी चला सकते हैं। ईच एंड एवरी थिंग एक्सक्लूडिंग द आयरन वो आप नहीं चला सकते इसके ऊपर, या एक AC से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। अगर आपके पास छोटे AC हैं जैसे कि 1 टन का इन्वर्टर AC है, तो 1 टन के 2 इन्वर्टर AC भी 6 किलोवाट पे चल सकते हैं, लेकिन 1.5 टन का इन्वर्टर AC एक ही चलेगा, या आप माइंड में रखें, अदरवाइज़ आप सिस्टम को ओवरलोड कर रहे होंगे। और अगर लिथियम आयन बैटरी है तो बैटरी के ऊपर भी आराम से आपका AC जो है वो बैकअप पर चल जाएगा, ट्यूबुलर पर भी चलेगा, लेकिन ट्यूबुलर में आपको बैकअप कम मिलेगा। लेकिन जो आपका लिथियम आयन बैटरी है उस पर आपको बैकअप जो है वो बिल्कुल क्लियर और बहुत ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसकी प्राइसिंग का है। आप माइंड में रखें क्योंकि रिसेंटली आपका रुपया जो है बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुका है और इसके अलावा आपके जो इम्पोर्ट है उनके ऊपर ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई भी हो रही है मुल्क में काफ़ी, उस वजह से सोलर की प्राइसेस भी आजकल बहुत हैं। तो ये जो मैंने आपको 6 किलोवाट का सिस्टम बताया इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 12 से 12.5 लाख रुपए है आज की डेट में। और ये प्राइस अगेन फ्लक्चुएट हो सकती है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त अगर आपने लेटेस्ट प्राइसेस चेक करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो तो ये प्राइस जो मैंने आपको बताई है इसमें आपको इंस्टॉलेशन करके दे सकते हैं आप। और बोनस पॉइंट जिसका मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था वो ये है कि आप 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम लगवाने के बजाय 5 किलोवाट ग्रिड टाई सिस्टम भी लगवा सकते हैं और वो आपको बहुत कम कॉस्ट में पड़ेगा कंपेयर टू 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम, इसलिए क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं होती हैं, उसकी वायरिंग लेस कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस उसमें आपके कम ब्रेकर्स लग रहे हैं, मज़ीद कम वायर भी लग रही है। तो इसकी टोटल कॉस्ट अगर मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊँ तो इस तरह से है कि सोलर पैनल्स आपके टोटल होंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 सोलर पैनल, साथ आपके होंगे एक ग्रिड टाई 5 किलोवाट का इन्वर्टर, उसके अलावा आपकी होगी वायरिंग। ये टोटल कॉस्ट करेगा आपको रफली 10 लाख रुपए में सिस्टम। इसमें अगर आप 5 किलोवाट के बजाय 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें ग्रिड टाई तो उसमें आप फ्यूचर में अपने सिस्टम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसे इन्वेस्ट करें इनटू बिगर सोलर सिस्टम, तो आप 10 किलोवाट का एक ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर लगवा लें, 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के आप पैनल्स लगवा लें। मज़ीद आपके पास जैसे जैसे पैसे अरेंज होते जाएँ आप पैनल्स को बढ़ाते जाएँ। नेट मीटरिंग आपकी पहले ही हो जाएगी और उसी नेट मीटरिंग में आप फ्यूचर में एडिशन कर सकते हैं अपने पैनल्स की। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊँगा हमारी कंपनी सोलर की इंस्टॉलेशन करती है। अगर आपने हमसे करवानी है इंस्टॉलेशन तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे डिटेल्स में। मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।